निशान कम हो गए, इसका मतलब दवाई असर कर रही है। वेरी गुड। ये सब जाके वैद्य जी को बताती हूँ, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। तुम मुझे मेरी दवाई दे दो। तुम कौन हो? मुझे मेरी दवाई चाहिए। मेरा सर बहुत फट रहा है। यही तो थी, यही है मेरी दवाई। मुझे दवाई दे दो, मेरी दवाई गिर गई। मुझे दवाई ला दो, मेरा सर फट रहा है। मुझे दवाई ला दो, मेरा गला सूख रहा है, मेरा सर फट रहा है, मेरी दवाई। शांत हो जाइए सेठ जी, शांत। सेठ जी, मैंने आपको एक नई दवाई दी है, आपको उस दवाई की जरूरत नहीं है। अरे जाओ तुम, कोई है? मुझे दवाई चाहिए, मेरा सर फट रहा है। शांत सेठ जी, छोड़ो मुझे। शांत हो जाइए, मुझे दवाई चाहिए। शांत हो जाइए सेठ जी, मैं मर जाऊंगी। मुझे दवाई चाहिए। सेठ जी की बॉडी को उस नशे की आदत हो गई है, अब मैंने वो दवाई बंद कर दी तो इसीलिए। ये सब उस नागेश सेठ और भावराव का किया धरा है, लेकिन मैं आपकी बहू, आपको हारने नहीं दूंगी, उन दोनों को जीतने नहीं दूंगी। सेठ जी, आपको अपने आप पे काबू पाना होगा, आपको इस नशे से जीतना होगा। सेठ जी, आप हार नहीं सकती, आपको जीतना होगा। मेरा इतना प्यार दिया तुम्हें मारी ने, इतना भरोसा किया तुम पे, लेकिन फूलपक, तुमने मारी को इतना बड़ा धोखा दिया। अच्छा हुआ जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए पूरा प्यार खत्म हो गया, अब कुछ है सिर्फ और सिर्फ नफरत। मुझे दवाई चाहिए, छोड़ो मुझे। सेठ जी, आपको अपने आप पे काबू करना होगा। सेठ जी, अब ऐसे हार नहीं सकती। सेठ जी, प्रगति, तुम प्रगति हो ना? हाँ, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं यहां क्या कर रही हूं? मेरे पास मत आना। जाओ यहां से। कोई है जो मुझे सुन रहा है? उतरा वसु, कहां सब? हटो तुम, हाथ मत लगाना मुझे। मैंने कहा ना, मुझे हाथ मत लगाना, दूर हो जाओ मुझसे। तुम यहां क्या करने आई हो? मेरी जान लेने आई हो? अरे कोई है यहां जो सुन सकता है मुझे? मुझे दवाई दे दो। सेठ जी, मुझे मेरी दवाई ला के दो। मेरी दवाई कहाँ है? मैंने पूछा मेरी दवाई कहाँ है? सेठ जी, मैं तो आपकी वसुंधरा। फिर से पैनिक अटैक। सेठ जी, बस 5 मिनट कंट्रोल कर लीजिए। 5 मिनट में ये तलब खत्म हो जाएगी। सेठ जी, चलो, सब जड़ी बूटियां मिल गई और सब ताजी भी हैं। अब इससे सेठ जी की सेहत एकदम ठीक हो जाएगी। हे देवा, ये यहाँ क्या कर रहा है? और सेठ जी की कुटिया की तरफ ही जा रहा है। अगर इसने वहां प्रगति भाभी को देख लिया। नहीं, बाबाजी रुकना, रुक रुक, कहाँ जा रहे तू?
देवा, इतनी गहरी चोट, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे बाजी? देख देख, मेरे पास औषधि भी है, रुक जा मैं औषधि लगा देता हूँ। ये कैसे हो रहा है? अरे गनिया, कुछ नहीं हुआ है। अरे अरे, खून निकल रहा है बाजी। छोटी सी तो चोट है ये। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं बैठ जा थोड़ी देर, मेरे साथ यहाँ बैठ जा, मैं तेरे को औषधि लगा देता हूँ। गनिया, कुछ नहीं हुआ है। बाजी ने अगर प्रगति भाभी को देख लिया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। हे देवा रक्षा कर, देवा रक्षा कर। बाजी बाजी रुकना, अब पहले वैद्य के पास चलेंगे, वैद्य के पास। रुक, दवाई, मुझे दवाई दे दो वसुंधरा, मेरी दवाई, मेरी दवाई गिरा दी तुमने। तुम मुझे जान से मारना चाहती हो ना? हाँ, तुम मेरी जान लेना चाहती हो वसुंधरा? ये प्रगति मेरा जान लेना चाहती है, मेरी दवाई ला दो मुझे। हाँ, मेरी दवाई ला दो, मेरी दवाई, मेरी दवाई ला दो, मेरी दवाई ला दो। ये लड़की मुझे मुझे जान से मारने आई है। भाभी मेरी दवाई ला दे वसुंधरा, मेरी दवाई चाहिए मुझे। ऐसे में करना बहुत मुश्किल है, प्लीज जाके जल्दी वहां पे जो रस्सी पड़ी है वो लेके आओ मुझे। क्या ये भाभी मुझे जान से मारना चाहती है? ये प्रगति मुझे मेरी दवाई चाहिए, मुझे दवाई ला दो वसुंधरा, मेरी दवाई ला दे, दवाई ला दे। पांच मिनट हो गए, अभी अटैक खत्म हो जाना चाहिए। सेठ जी शांत, शांत सेठ जी। भाभी भाभी जल्दी से एक साड़ी ले आइए। अब आप क्यों आई हो यहाँ पे? आप तो मायरी से मेरी शिकायत करने गई थी ना? कर ली आपने शिकायत? नहीं नहीं की शिकायत। आप सब लोग अपनी बातें मनवाने के लिए मुझे बच्चा बोलते हो। क्या मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकती? पता नहीं आप क्यों आ गई हो मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, उन्हें के साथ साथ तुम्हारी दोस्त हूँ, तो मैं कैसे तुम्हें अम्बी के साथ प्यार में देख सकती थी? कैसे तुम्हें सब कुछ सच सच पता होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी बर्बाद करने दे सकती थी? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है। और मुझे अम्बी से प्यार है, और अम्बी और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, सच्चा प्यार। अच्छा, तो सच्चे प्यार ने तुम्हें कभी अपनी सच्चाई बताई है? कभी बताया उसने कि वो किस परिवार से है? भाभी, परिवार का नाम पता पूछकर प्यार नहीं किया जाता। लेकिन कभी कभी प्यार मतलब से भी होता है। भाभी, अगर तुम्हें उस अम्बी के बाप का नाम पता होता तो शायद ये गुस्सा तुम मुझ पे नहीं अम्बी को दिखा रही होती। गौरी, वो देसु और तुम्हारी मायरी का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसी की वजह से तुम अपने पिता का चेहरा कभी नहीं देख पाई, और उसी ने उस नकली संध्या को हमारे देसु भेजा था, और उसी के कारण बाजी ने अपने सबसे प्यारे दोस्त विठल को खो दिया हमेशा हमेशा के लिए। ये दूसरी तस्वीर, इतने दिनों से प्रगति जिस सदाशिव को ढूंढ रही थी ना, वो सदाशिव कोई और नहीं, प्रगति का असली पिता। प्रगति नागेश सेठ की बेटी है। सेठ जी, चिट्ठी में साफ साफ लिखा है इस प्रगति ने उस नागेश सेठ के कहने पर पहले बाजी से शादी की, उसके बाद हमारी गौरी को उसके बेटे अमरीश से मिलवाया, और फिर गौरी को देसु से भागने में उसकी मदद भी की। इस लड़की को दंड अवश्य मिलेगा, और इसकी शुरुआत बाजीराव ने की है, क्योंकि बाजीराव इस लड़की का पति है, तो यह लड़की मेरी बहू हुई, इसीलिए यह दंड इसके साथ मैं भी भुगतूंगी। आज से मैं
बाजीराव तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ रहा हूं। आज से ना मैं तुम्हारा बाजी और ना तुम मेरी फूल पकड़ी। निकल जाओ यहां से और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे, कभी नहीं। काश मैंने प्रगति भाभी की बात सुन ली होती। उन्होंने कितनी बार मुझे अम्बरीश की सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मैं बेवकूफ थी। उनकी हर बात को अनसुना कर दिया मैंने। आज मेरी ना समझी की वजह से मेरी मायरी की ये हालत है। राजकुमारी को अमरीश की याद आ रही है। मैं समझ सकती हूँ गौरी, तुम्हारे भाई तुम्हें जबरदस्ती यहाँ देवसु में अमरीश से छुड़ाकर लेके आए, इसीलिए तुम्हें दुख हो रहा है ना? नहीं काकू, मैं उदास हूँ, लेकिन अमरीश की याद में नहीं, अपनी मायरी की हालत में। अच्छा, वो दादा मुझे उस अमरीश के चंगुल से निकाल कर घर वापस लेकर आ गए। मतलब तू अमरी से प्यार नहीं करती थी क्या? तो भागी क्यों? प्यार तो करती थी मैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ अपने देवसु में वापस आकर, अपने परिवार में वापस आकर। लेकिन काकू, भगवान के लिए आज के बाद मेरे सामने उस अमरीश का नाम कभी मत लेना। मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा, जैसा तू कहे। हाँ, तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन एक बात बता, उस अमरीश के चंगुल से बच के निकली कैसे? मेरा मतलब है कि पूरा अमराज गांव नागेश सेठ और अमरीश का है ना? तीनों दादा ने मुझे बचाने की और मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की। इसी कोशिश के चलते वो लोग मुझसे भी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, और वहाँ अमराट के पहरेदारों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें बंदी बना दिया था। और यदि तुम लोगों ने चोरी नहीं की है तो डर क्यों रहे हो? दिखा दो ना, क्या है तुम्हारे पास? सर, ये वस्तु मेरा नहीं है, मैंने कोई चोरी नहीं की। खबरदार, जो एक भी शब्द बोला तो लेके चलो उनको, चलो। अच्छा, अब फिर क्या हुआ? कुश्ती हुई, लड़ाई हुई, पता ना? नहीं काकू, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, तीनों भाई तो सलाखों के पीछे थे, जहाँ से भागने का और लड़ने का तो कोई जरिया ही नहीं था। तो फिर उन्हें बचाने आया कौन? ऊपर से भगवान आ गए क्या? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। हाँ? वो तो एक भले रिपोर्टर ने आकर हम सबकी मदद की। सर जी, यही वो लड़का है जिसने इस लड़की नू किडनैप किया। गिरफ्तार करो इसे, ले चलो। मुझे उस अमरीश के चंगुल से बाहर निकाला। रप्टर? ये कैसा नाम है? रिपोर्टर नहीं काकी, रिपोर्टर। उसे पत्रकार भी कहते हैं। ये वही तो नहीं है जो तुम्हारे साथ देसु में आया था? रप्टर? रप्टर। ये क्या था प्रगति? मायरी ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? और ये बार बार दवाई क्यों मांग रही थी? दवाई नहीं भाभी, ड्रग्स मांग रही थी। इन्हें ड्रग्स ले लेके इतनी आदत हो गई है कि अब ये ड्रग्स के बिना नहीं रह पाती। ड्रग? हाँ भाभी, ड्रग्स। इसे शहर में नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं और लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई इससे। बहुत बुरी चीज है ये। तो अगर ये इतनी बुरी चीज है तो वैद्य जी बार बार मारी की दवाई क्यों दे रहे हैं? वैद्य जी ने तो सिर्फ जड़ी बूटियां दी है, ये ड्रग्स तो कोई और ही दे रहा है। कोई और? कौन? बताऊंगी भाभी, सब बताऊंगी वक्त आने पर। लेकिन अभी अभी हमें सेठ जी को इस नशे से छुटकारा दिलाना होगा।
जब भी मैं सेठ जी को ऐसी हालत में देखती हूँ ना, हिम्मत टूट जाती है। समझ नहीं आता कि कैसे खुद को और सेठ जी को ठीक करूं। प्रगति, तुझे हिम्मत दिखानी होगी, तुझे ही मायरी को रास्ता दिखाना होगा। तू ही एक ऐसी है पूरे देवसु में जिसे मायरी की असली बीमारी के बारे में पता है। तुझे उस बीमारी को जड़ से निकालना पड़ेगा। लेकिन भाभी, अगर उस बीमारी का बीज किसी अपने ने ही बोया हो तो उस बीज को कैसे निकालेंगे भाभी? क्या हुआ प्रगति, तुम रुक क्यों गई? सेठ जी, वो मैं नहीं चाहती कि आपको लग जाए। प्रगति, तुमने हाथ में लाठी नहीं शस्त्र उठाया हुआ है। प्रगति, तुम्हारे जीवन में ऐसे कई बार पड़ाव आएंगे जब तुम्हें अपनों पर शस्त्र उठाना पड़ेगा। गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है कि धर्म युद्ध में केवल दो पक्ष होते हैं, सही और गलत का। अगर तुम सही की राह पर चलना चाहोगी ना, तो सही राह पर चलोगी। अगर सही पक्ष चुनोगी तो ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हें अपने सगे संबंधी मित्रों को एक तरफ रख के उनके खिलाफ शस्त्र उठाने पड़े, उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन प्रगति, ये अब तुम पर निर्भर है कि तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलना है या नहीं। मुझे समझ में आ गया भाभी, अब इस धर्म युद्ध में मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ूंगी। अधर्मियों के मंसूबों को पूरा नहीं होने दूंगी मैं। गौरी, गौरी की शादी है। गौरी भाभी, गणेश जड़ी बूटियां ले आया होगा, मैं जाके दवाई बना लेती हूँ। चल, मैं भी चलती हूँ। ने, और ये मैंने तो याद रखने के लिए उसे अचार के साथ भी जोड़ दिया। अचार? रफ्तार? हाँ। गौरी के पास मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि तुम ये पता करो कि वो चारों अमरार से निकले कैसे। लेकिन तुम हो कि ये रफ्तार रफ्तार का अचार लगा के रखा तुमने। अब देवी बोलेगी ना तो सची बोलेगी। उसने यही शब्द कहा था तो मैं क्या करूं? रफ्तार यही कहा था उसने। रिपोर्टर नहीं कहा कि रिपोर्टर, अब उसे पत्रकार भी कहते हैं। हाँ, पत्रकार, पत्रकार कहा था उसने, यही कहा था उसने। अरे वाह, ये भी अच्छा है। पत्रकार अचार के साथ जुड़ता है। अचार पत्रकार, अचार पत्रकार। क्या कहा? पत्रकार? हाँ, पत्रकार। रफ्तार नहीं होता है देवी, रिपोर्टर होता है। हाँ, वही वही। इसको हमारे मामले में उलझने की क्या जरूरत है? आखिर है कौन वो? वो जो आदमी आया है उनके साथ देवसु में, वही है वो रफ्तार, जो भी। हाँ, तो फिर वो यहाँ क्यों आया? कहीं किसी दुश्मन का खबरी तो नहीं है वो? अरे बच्चे, तू यहाँ? वो हम तो मतलब खाना खा लिया। क्या वो भाभी,
मुझे नहीं पता था। यहाँ कुटिया पे आने के बाद मुझे ये देखने को मिलेगा। मतलब? मतलब ये कि सुबह से मैं मनप्रीत भाई साहब को ढूंढ रहा हूँ। कल इन्होंने बोला था कि मुझे देवसु देखना है और ये मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे, यहाँ आके मिले हैं ये। वो क्या है ना कि मैं ना मायरे के यहाँ आ रही थी दवाई लेके, तो मनप्रीत भाई साहब मिल गए मुझे रस्ते में। उन्हें गांव की जड़ी बूटियां देखनी थी तो मैं इधर ही आ रही थी तो उन्हें लेके आ गई। क्यों भाई साहब? हाँ ओए, मैं तो सुबह सुबह उठ गया सी और तू सोता रहता है, तो मैंने देखा भाभी बाहर जा रही है, तुम्हें उनके साथ साथ चला आया। ओए मैंने पूरा गांव देख लिया है, बड़ा सोना गांव है तेरा, ओए बड़ा सोना। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपको गांव की जड़ी बूटियां ही देखनी है क्या? देवसु में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं देखने के लिए, आपको वो नहीं देखनी? हाँ जी चलो जी। लगता है भारव को मुझ पे शक हो गया है, अब संभल कर अपनी चाल चलनी होगी मुझे।